नमस्ते दोस्तों, आज हम गुड़ और बेसन की बहुत टेस्टी रेसिपी बनाएंगे। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। उसके लिए सबसे पहले गुड़ ले लेना है। अब थोड़ा सा पानी डाल के गुड़ को पिघला देना है। इसकी चाशनी भी नहीं बनाना है, सिर्फ पिघलाना ही है। देखिए अच्छे से पिघल चुका है। अब ठंडा कर लेना है, ठंडा करके छान लेना है। जो इसमें गंदगी होगी निकल जाती है। ऐसे नहीं बनाना है क्योंकि गुड़ में थोड़ी बहुत गंदगी ज़रूर रहती है। अब इसमें थोड़ा सा तेल डाल देना है, ये रिफाइंड तेल है, घी भी डाल सकते हैं। और अच्छे से मिक्स कर देना है। अब थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल देना है, इससे बहुत अच्छा बनता है नाश्ता। और अच्छे से मिक्स कर देना है। अब इसमें बेसन ऐड कर देना है, थोड़ा थोड़ा डालना है, एक बार में नहीं डालना है। और अच्छे से मिक्स कर देना है। अभी ये ढीला लग रहा है, थोड़ा सा बेसन और डाल देना है। देखिए अभी और ढीला लग रहा है, थोड़ा सा और ऐड कर देना है। देखिए परफेक्ट तैयार हो चुका है। ऐसा होना चाहिए बैटर। और अच्छे से फेंट देना है। अब थोड़े से तिल डाल देना है, इससे बहुत टेस्टी लगता है। थोड़े से तिल और डाल देना है। तिल का टेस्ट बहुत अच्छा आता है गुड़ में। अब एक पाइपिंग बैग ले लेना है, या फिर दूध की पन्नी भी ले सकते हैं, कोई पन्नी ले सकते हैं। उसमें इसको ऐड कर देना है। अब गरम तेल में डाल देना है। कोई भी सेव के बना सकते हैं। ये सेव खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। देखिए लंबे लंबे बना लेना है। ये गुड़ की रेसिपी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। बेसन डालने से बहुत सौंधापन आता है इसमें। एक बार बना के 8-9 दिन खा सकते हैं, ख़राब नहीं होते हैं जल्दी ये। अब इनको पलट देना है। अब इनको निकाल लेना है। धीमी आंच में ही पकाना है, जिससे अंदर तक अच्छे से पक जाते हैं। हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो जल जाएंगे और अंदर तक पकेंगे नहीं। अब सेकेंड बैच के भी बना लेना है। बहुत आसानी से बनके तैयार हो जाते हैं और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और हेल्दी भी होते हैं। इनको भी पलट देना है और धीमी आंच में ही पकाना है। अब जलेबी की तरह बना लेते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं चकली जैसे। और धीमी आंच में ही पकाना है। अब इनको भी पलट देना है। बढ़िया सा कलर आने तक पका लेना है। उलट पलट देना है इनको। अब इनको भी निकाल लेना है। ऐसे ही सारे बना के तैयार कर लेना है। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। किसी भी शेप में बना सकते हैं। अब इनको भी निकाल लेना है। आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।
देखिए बना के तैयार कर लिया है और कितने टेस्टी लग रहे हैं, खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप लोग भी एक बार ज़रूर बनाइएगा। आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक रखिए अपना ढेर सारा ख्याल।